सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में नेशनल हाईवे पर खराब बस को धक्का लगाते समय ट्रक के कुचलने से 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायल लोगों का बस्ती के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोमवार सुबह NH-28 पर प्रयाग डिपो की एक बस खराब हो गई थी। ड्राइवर के कहने पर 8 यात्री बस को धक्का लगाने के लिए बस से उतरे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने इन्हें रौंद दिया। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।